हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं लाई हूँ टकेरा स्टाइल साल्सा की रेसिपी, जिसे हम मैक्सिकन साल्सा भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ऐड कर लेते हैं 3 ड्राई रेड चिली स्पाइसी वाली। अगर आप स्पाइसी कम खाना पसंद करेंगे तो आप रेड चिलीज कम भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 7-8 कली लहसुन की। इसके बाद ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, क्यूब साइज़ में कटा हुआ और मोटे साइज़ में कटा हुआ। बस अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही हिलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, क्यूब साइज़ में कटे हुए। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 कटोरी गाजर कटा हुआ। आप चाहें तो एक छोटी पूरी गाजर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक गया है और इसका कच्चापन भी बिल्कुल निकल गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स में नहीं पका है तो आप इसे और 1-2 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो चलिए गैस बंद करते हैं और इसे ठंडा करके एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने एक बार इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 20 ग्राम्स फ्रेश धनिया धोया हुआ। इसके बाद ऐड कर लेंगे नमक स्वाद अनुसार और अब लास्ट में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इन सबको अब एक बार और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और साल्सा का एक अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, साल्सा बिल्कुल रेडी हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप चाहें तो इसे नाचोस के साथ में या फिर टाकोस के साथ में या फिर कोई और चीज़ के साथ में भी खा सकते हैं और इसे 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे और बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।